मीनू जी आपसे पूछना चाहूंगा, जो स्थितियां हैं जिस तरीके से कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ओर से, और जो इंडिया ब्लॉक का जो एक सजगता सतर्कता या जो उसके द्वारा कार्ड्स खेले जा रहे हैं, इन सब पर आपकी राय पहली प्रतिक्रिया के तौर पर क्या होगी मीनू जी? अनम्यूट कीजिएगा मीनू जी, अनम्यूट कर लिए, जी, अनम्यूट कर लिए, मेरी पहली अनम्यूट कर लिए। प्रतिक्रिया तो यह है कि 240 सीटों का जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो मोदी जी को पहले दिन से ही दिखाई देने शुरू हो गए हैं। इसमें आप तीन तो मेजर है साइड इफेक्ट्स। सबसे पहले तो उन्होंने ये वक्फ बोर्ड बिल वापस लिया, उसके बाद ब्रॉडकास्टर्स बिल वापस लिया, उसका ड्राफ्ट वापस लिया, बिल ही कह सकते हैं आप उसको। और आज का जो ये है, ये तो 72 घंटे के अंदर अंदर वापस ले लिया। तो ये जो है, मोदी जी इस तरीके के काम करने के आदी नहीं है। इस वक्त मोदी जी का जो अहंकार, दंभ है, मान मर्दन जिसको कहते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से एक बैकफुट पे आए हुए हैं और बहुत तिलमिलाए हुए भी होंगे, बहुत ज्यादा तिलमिलाए हुए होंगे, क्योंकि ये विपक्ष की ताकत है। देखिए, इन तीनों ही मुद्दों पे जो मैंने गिनवाए, इसमें तीनों ही मुद्दों जी पे विपक्ष ने बहुत आक्रामक तरीके से अपनी बात रखा। इवन जो वक्फ वाला मुद्दा था उसमें तो उनके साथी संगठनों का भी विरोध रहा। तो मेरा ये कह रहा है कि मोदी जी की, देखिए, पॉलिटिकली बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, वो शातिर राजनीतिज्ञ है मोदी जी, लेकिन उनकी बुद्धि इस वक्त जो राजनीतिक मैदा है कहाँ चली गई है। जो उनको कह रही है कि 240 सीटें होने के बावजूद भी तुम वक्फ बोर्ड ले आओ, बिल ले आओ, वो पास हो जाएगा, ब्रॉडकास्टर्स बिल पास हो जाएगा, और ये जो नया अभी आपने लेटरल एंट्री का जो था कि ये भी पास हो जाएगा, जी आपको मतलब पब्लिक मान जाएगी, उनको ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब अब क्या कर रहे हैं, जैसे अब वापस ले लिया उसको, मतलब फिसल गए तो हर हर गंगे। तो ये वाली उनकी जो अप्रोच है उसके उल्टे मजाक उड़ रही है। उन्हीं के जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, कल तो वो कांग्रेस को कोस रहे थे लेटरल एंट्री के लिए, आज वो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं इसको कि मोदी जी देखे कितना वीकर सेक्शन के लिए कितना चिंतित है, और ये है वो है। तो जो जो उनके मंत्री हैं और या जो उनकी ट्रोल आर्मी है, जो उनके और कार्यकर्ता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये मोदी जी का जो ये होता है ना रोलर कोस्टर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी, मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस चीज का हम समर्थन करें, किस चीज को मास्टर स्ट्रोक बताएं और किस चीज को नहीं बताएं। मतलब 72 घंटे के अंदर अंदर ये मोदी जी का वापस ले लेना, कल्पना कीजिए कि ये 300 सवा 300 सीट की सरकार होती, भाजपा की सरकार होती है, अकेले बहुमत की, तो ये तीनों तीनों चीजें आराम से लागू हो गई होती, आप विपक्ष सिर पटके रह जाता। बिल्कुल लेकिन क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत है इस वक्त, संख्या बल से भी मजबूत है और एकता भी मजबूत है, मतलब उसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई किधर भाग रहा है या कोई किधर भाग रहा है। तो उस दबाव के आगे मोदी जी मजबूर हैं। जो एक अकेला सब पर भारी या 56 इंच जो भी कुछ वो कहते थे, वो सब एक एक जी करके जी सारे धड़ाधड़ 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 नीचे गिरे चले जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है, एक्चुअली तो देखा जाए लोकतंत्र यही है जिसमें विपक्ष मजबूत हो और जनता के हित की बात को मजबूती के साथ रखे और सरकार के ऊपर इतना दबाव पड़े कि जो गलत निर्णय है उसको मजबूर होना पड़े सरकार को उसको उन निर्णयों को लेने में। तो वो चीज आज दिखाई दे रही है, और लोकतंत्र यदि मजबूत हुआ है तो ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन क्योंकि मोदी जी के लिए खुशी की बात नहीं हो सकती, उनके क्योंकि बहुत सारे हिडन एजेंडा है, छिपे हुए एजेंडा है इन सब के पीछे, ब्रॉडकास्टर बिल के पीछे। समझ लीजिए, आप जैसे जो चैनल्स है यूट्यूब के ऊपर, सबकी आवाजें बंद करने का मकसद था, लेकिन वो नहीं हो पाया, ये भी लोकतंत्र की जीत है। फिर उसके बाद वक्त का था, आप एक मतलब जबरदस्ती एक किसी एक बिल की आड़ में एक समुदाय धर्म विशेष के लोगों को एक निशाना बनाना चाहते थे। और अभी जो लेटरल एंट्री था उसमें तो मतलब एक कल कल जो है भारत बंद की ही घोषणा हो गई थी। तो उसमें जो ओबीसी सेक्शन, जो जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, वास्तव में उनके हितों के ऊपर एक बहुत तगड़ा प्रहार था, और जिसको कि विपक्ष ने बड़ी मजबूती से डिफेंड किया और विश्वास दिलाया। तो अब ये जो 4 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं संजीव जी, उसमें सीधा प्रभाव पड़ेगा। ये जो लेटरल एंट्री का वापस भले ही ले लिया हो, लेकिन पब्लिक को मकसद पता चल गया। जो राहुल गांधी संविधान के प्रति दिखा रहे थे बार बार कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो मोदी जी ने विपक्ष के हाथ में हथियार दे दिया कि अगले जो 4 विधानसभा के चुनाव है उनमें जाके ढोल बजाना भाई साहब विपक्षियों।
कि मैं जो हूँ लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण के ऊपर प्रहार कर रहा था। अब वापस ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अब तो जो आपके हाथ से उड़ गई है चिड़िया, आप उसको वापस नहीं ले सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, तीर आपके हाथ से निकल चुका है, वापस नहीं ले सकते। मीनू जी कोई टिप्पणी आप करिएगा एक लाइन की, मैंने जो कहा साहब के झोला उठाने का टाइम आ गया है, जिस तरीके का परिदृश्य बन गया है, पैसा आपने लगभग लगभग संकेतों में कही है बातें, एक लाइन में पूछूं तो मैं वहीं जाके समाप्त कर दूंगा। जी हाँ, हो सकता है कि झोला उठाने की तैयारी के लिए ही ये इस तरह के प्रपंच रचे जा रहे हों। और देखिए, वो खुद को अगर झोला उठाने की तैयारी में है भी, तो उनका मकसद ये होगा कि मैं भाजपा का आखिरी प्रधानमंत्री साबित हूँ, इसके बाद होना ही नहीं चाहिए भाजपा से प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको बराबरी रिकॉर्ड बनाने का बड़ा शौक है। और अकेले ही चलते हैं, चाहे ब्रिज का उद्घाटन करें या टनल का करें, तो अकेले ही करते हैं, वो लोग नहीं होते उनके इसमें, तो वो नहीं चाहेंगे कि मैं ये मेरे पीछे बाद में कोई और बने प्रधानमंत्री और मेरे से बढ़िया कुछ डिसीजन ले, कोई नया इतिहास में रच दे भाजपा की सरकार के नाम से, तो इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसलिए भी हो सकता है कि कुछ और अभी इससे भी ज्यादा बेतुके उनके आदेश या निर्णय लिए जाएं, ताकि और छिछालेदारी हो और ये झोला इनका तैयार होगा। पता चला किसी दिन सुबह 7 जन कल्याण मार्ग खाली है और कब मच गया है देश के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे वैसे आसानी से जाने वाले नहीं हो। नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी के लिए मैं इसमें जरूर इत्तेफाक रखूंगा, मेरे बात कोई ना हो, खत्म हो जाए मामला, यही आके थम जाए रुक जाए।